नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। सोशल मीडिया पर तमाम तरह से डांस वीडियो वायरल होते रहते हैं, जो कभी कभी मजेदार होते हैं तो कभी कभी बहुत ही रोचक होते हैं। वैसे इंस्टाग्राम पर फेमस होने का भूत सवार है, चाहे वो कोई भी हो या किसी भी प्रोफेशन से हो। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और पुलिस सब डांस कर रहे हैं। ऐसा ही एक महिला पुलिसकर्मी का डांस वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं है कि वीडियो में डांस कर रही महिला किस राज्य की पुलिसकर्मी है। देखें इन तस्वीरों में। ग्वालियर पहुंची टीम इंडिया। 6 अक्टूबर को ग्वालियर में मैच होना है, इंडिया वीएस बांग्लादेश। कड़ी सुरक्षा के बीच एयरपोर्ट से होटल के लिए वे रवाना। ग्वालियर टीम के शहर में प्रवेश करते ही सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट मोड पर। रविंद्र बिश्नोई, जितेंद्र शर्मा, मयंक यादव, रियान पराग, अभिषेक पराग पहुंचे ग्वालियर। देखें इन तस्वीरों में। अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने कहा, मैं प्रशंसकों से कहना चाहूंगी कि वे घबराएं नहीं, वह ठीक है, उन्हें परसों छुट्टी दे दी जाएगी। सुने उनकी जुबानी। अभी ठीक है, अभी आज उनको नॉर्मल वार्ड में एडमिट करेंगे हम लोग, कल से बहुत बेहतर है, कल परसों डिस्चार्ज भी कर देंगे उनको। सबके आशीर्वाद से, सब फैंस लोग के, आप लोग सबके आशीर्वाद से सर एकदम ठीक हो गए और हर जगह पूजा प्रार्थना चल रहा है सर का। उनके तो बहुत फैन फॉलोइंग है हर जगह, तो सब मंदिरों में हर जगह पूजा, दरगाह में, मंदिर में, हर जगह पूजा प्रार्थना चल रहा है। सबकी आशीर्वाद से सर का तबीयत एकदम ठीक है। और मैं बोलना चाहूँगी फैंस लोगों, आप लोग पैनिक मत होइए, सर एकदम ठीक है, कुछ महीने बाद फिर सर डांस वांस करने लगेंगे। थैंक यू सो मच। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रोडवेज बस ने हथिनी को मारी टक्कर। टक्कर से हथिनी गंभीर रूप से घायल होकर सड़क के किनारे तड़प रही है। वन अधिकारी डॉक्टरों ने घटना का जायजा लिया। तराई केंद्रीय वन विभाग का है मामला। देखें इन तस्वीरों में। देखो ये डॉक्टर ले जा रहे हैं। प्रतापगढ़ में बड़ा जालीदार बात, तोहार कुर्ती के गाने पर तहसीलदार साहब की विदाई। प्रतापगढ़ के लालगंज परिसर में तहसीलदार का विदाई समारोह को यादगार बनाने के लिए राजस्व कर्मियों ने रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया। महिला डांसर ने डांस किया, कुछ एक राजस्व कर्मी अपने को रोक नहीं पाए और जमकर डांस भी किया। माहौल गजब का था। देखें इन तस्वीरों में। वहीं सीसीटीवी में कैद हुई मनप्रीत की बहादुरी की 3 चोरों को अकेले ही घर में घुसने से रोका। पंजाब के अमृतसर जिले के वेरका इलाके की महिला मनप्रीत की बहादुरी की चर्चा सोशल मीडिया पर सभी लोग कर रहे हैं। मनप्रीत ने अकेले अपने साहस के दम पर 3 चोरों को अपने घर में घुसने से रोक दिया। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। मनप्रीत घर में अकेली थी और वह कपड़े सुखाने छत पर गई थी। वहां उसने देखा कि 3 युवक उसके घर के बाहर खड़े हैं, जिसके मुंह पर कपड़ा बंधा था। उनको शक हुआ और वह तुरंत नीचे आई। जैसे ही वह नीचे आई तो तीनों युवक दीवार फांदकर घर में घुसने की कोशिश करने लगे। मनप्रीत ने तुरंत दरवाजा बंद किया और चोरों को अंदर घुसने से रोकने की पूरी कोशिश की। हालांकि चोरों ने दरवाजे को धक्का देना शुरू किया, लेकिन मनप्रीत ने अपना पूरा वजन दरवाजे पर डालकर उन्हें रोक दिया। इसके बाद उसने एक ऐसा सोफा दरवाजे के पीछे लगाकर खिड़की से मदद के लिए चिल्लाकर चोरों को रोकने की कोशिश की। मनप्रीत द्वारा लगातार शोर मचाए जाने पर चोर वहां से फरार हो गए। देखें इन तस्वीरों में।